सबसे पहले हम वर्ड खोल लेंगे, यानी एमएस वर्ड कंप्यूटर में खोल लेंगे, और यहाँ पर हमें साइज सेलेक्ट करना है, यानी पेज का साइज जो कि आपके प्रिंट आउट हो सके। क्योंकि जब भी आप दुकान में प्रिंट कराने जाते हैं तो एक साइज का पेपर होता है, उस पेपर के साइज को हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम जो भी फॉर्मेट बनाएं लिखें वो सही तरीके से प्रिंट हो जाए। अलग फॉर्मेट में होगा तो आधा कट के प्रिंट होगा, फिर वहाँ पर जल्दीबाजी में ठीक करेंगे तो हो सके तो आपको देर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने A4 साइज पेपर सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना नाम और नाम के नीचे थोड़ा सा संक्षिप्त में लिख देता हूँ जिससे HR को ज़्यादा समझ में आए। मैंने लिख दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव MBA, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा हूँ और MBA मैंने किया हुआ है। क्योंकि अधिकतर HR सबसे ऊपर की तरफ ही देखते हैं, यानी नाम को पढ़ लेते हैं, उसके आजू बाजू देखते हैं और उसके बाद नीचे उतना ध्यान से नहीं देखते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया है MBA लिखा हुआ है। सेल्स का मतलब ये हो गया मैं जॉब कर रहा हूँ सेल्स मार्केट में ही, और मैंने सेल्स की प्रोफाइल के लिए ही रिज्यूमे भेजा है, तो वो अच्छी तरीके से इसको नीचे पढ़ेगा। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा एक जैसा रखें, बार बार ना बदलें, जब तक आप किसी अच्छी पोजीशन पे ना पहुँच जाएं। इसको सबसे पहले सेव कर लेंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सेव नहीं करते हैं और लाइट चली जाती है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो जितना भी आपने मेहनत की है बनाया है वो सब सेव नहीं होता, दोबारा से बनाना होगा। यहाँ पर हम एक काली लाइन खींच लेंगे जो कि कीबोर्ड की मदद से हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव। मोबाइल नंबर ईमेल एक ही जैसा रखने का फ़ायदा ये है कि ये डेटा HR भी सेव करके रखते हैं, उन्हें जब सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो कभी कभी वैकेंसी नहीं निकालते, डायरेक्ट फ़ोन या मेल पर रिक्वायरमेंट भेज देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है और बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप हमेशा एक परमानेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जिसका पासवर्ड ना भूलें। कैरियर ऑब्जेक्टिव में हमें एक संक्षिप्त विवरण देना होता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है और हम किस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर लुकिंग कैरियर इन सेल्स इंडस्ट्री, मैंने यहाँ बता दिया कि मैं सेल्स इंडस्ट्री में जॉब देख रहा हूँ, और आई वांट टू ग्रोइंग विद कंपनी गोल एंड ऑब्जेक्टिव, और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी। इसके बाद एजुकेशन डिटेल डाल देंगे। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिसका मैं रिज्यूमे बना रहा हूँ उसने MBA किया हुआ है और अभी एक छोटी मोटी कंपनी में ऑफ रोल या ऑन रोल सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है। उसे काम करते हुए 2 से 4 महीने हुए, 6 से 8 महीने भी हो जाएंगे तो भी इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने MBA डाल दिया, BA डाल दिया, 12th मैंने कब किया था, किस बोर्ड से किया था, 10th भी ऐसे ही डाल दिया। अब आते हैं प्रोजेक्ट ट्रेनी में। जब भी हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जैसे MBA, MCA, BBA, BTech, तो सभी में प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कराई जाती है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आप ये समझ लीजिए कि बिना सैलरी की जॉब कराई जाती है, 2 महीने से लेकर 3 महीने तक, कहीं कहीं 15 से 1 महीने भी होती है, और कॉलेज के टाइम पर ये छुट्टी मिल जाती है और आपको 2 से 3 महीने जॉब करनी होती है, फिर वहाँ की एक रिपोर्ट बना के प्रोजेक्ट ट्रेनिंग वाले सब्जेक्ट में कॉलेज में जमा करनी होती है। ये इसलिए कराया जाता है ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ें प्रैक्टिकल कर सकें। तो यहाँ मैंने प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कर रखी है SK मारुति शोरूम मथुरा में, गाड़ियों का शोरूम है इनका, और यहाँ पर मैं जिस सेल्स ट्रेनी लगा था, हालांकि इन्होंने मुझे पेमेंट भी की थी क्योंकि ये मेरे काम से काफ़ी खुश थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है आई वर्कड हेयर 3 मंथ, मैंने यहाँ 3 मंथ पेड ट्रेनिंग की है क्योंकि मैंने आई हैव डन 4 car sales in 3 months। मैंने 3 महीने इनके यहाँ काम करा एज ए सुपरवाइज़र, और एक छोटी सी टीम भी हैंडल करता था, टीम परमानेंट थी, मैं ट्रेनी था, और मैंने 4 car भी अपने कॉन्टैक्ट से, अपने कम्युनिकेशन से इनकी सेल करवाई थी, उसके अलावा टीम ने भी सेल की थी, तो यहाँ पर मुझे पैसे भी मिले थे। तो वो डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है, यानी कि कंपनी का नाम, आपकी पोजीशन, और आपने यहाँ पर का
क्या काम किया था, ताकि जो रिज्यूमे देखने वाला हो उसे कुछ हमारे बारे में आइडिया हो सके कि हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और हम क्या क्या समझ सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जरूर डालना चाहिए अगर आप फ्रेशर रेज्यूमे बना रहे हैं या एक साल का एक्सपीरियंस है, एक साल के अंदर का एक्सपीरियंस है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जरूर डालनी चाहिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका रिज्यूमे खुद इतना बड़ा हो जाता है कि आपको कुछ चीज़ें हटानी होती हैं, जैसे कि आजकल मैं प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के बारे में नहीं लिखता, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला कॉलम भी यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑलरेडी मेरी कंपनी के काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं, जिससे रिज्यूमे बहुत लंबा बन जाएगा। तो हमें आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें हटानी होती हैं, लेकिन जब आप फ्रेशर हैं तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता या किसी को प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी नहीं होती, तो लिखने के लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में मैंने डाल दिया लर्निंग एटीट्यूड, यानी मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, मैं ऐसा पॉजिटिव इंसान हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा डिमोटिवेट नहीं होता, फिर से मन लगाकर काम स्टार्ट कर देता हूँ। इसके अलावा टीम वर्कर हूँ, टीम के साथ मिलकर काम करने का अनुभव रहा है मुझे कॉलेज टाइम में भी, जैसे फंक्शन हुआ या इस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में, तो वो चीज़ मैंने डाल दी है। करिकुलम एक्टिविटी क्या होती है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन स्कूल कॉलेज में एक्सपीरियंस आपने क्या किया है, जैसे कि खेल कूद में आप आगे थे, आप फंक्शन में आगे थे, डांस में आगे थे, या टीम लीडर थे, कॉलेज में कोई फंक्शन अटेंड किया उसके अंदर टीम लीड करी, सुपरवाइज़र बने, तो ऐसी चीज़ें डालते हैं। या अपनी कोई लाइफ में हमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर कुछ इनाम जीते, वो सारी चीज़ें करिकुलम एक्टिविटी में डालते हैं। अब आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ मैंने डाल दिया कि मैं अभी सिंगल हूँ, शादी हुई नहीं है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, फादर का नेम डाल दिया, साथ ही अपना एड्रेस भी डाल दिया कि मैं कहाँ पर अभी रहता हूँ। यहाँ पर आपको करंट एड्रेस डालना है, अपने गांव का एड्रेस मत डालिए। यदि आप बिहार के हैं और दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली का ही लोकल एड्रेस डालिए, जिससे आपका रिज्यूमे जो भी देखेगा तो उसको पता चल सके कि आप एक्चुअल में कितनी दूरी पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ से डेली आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर आप बिहार का डाल देंगे तो दिल्ली वाले मैनेजर को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आप कहाँ पर रहते हैं। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग ये गलती करते हैं, हमेशा जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहीं आसपास का एड्रेस डालना चाहिए। कभी कभी अपने दोस्त का भी डाल दीजिए या किसी रिलेटिव्स का भी डाल दीजिए, क्योंकि एक बार आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप कहाँ रहते हैं इससे कोई भी मतलब नहीं होता। अब हम यहाँ पर कई चीज़ें बोल्ड में कर देते हैं ताकि हमारे रिज्यूमे देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर जैसे कैरियर ऑब्जेक्टिव, जितनी भी हेडिंग है इसको मैं 14 फॉन्ट में कर लेता हूँ, और नाम जो है उसको मैंने 16 फॉन्ट में कराया है, क्योंकि नाम का फॉन्ट ज़्यादा बड़ा रहेगा। इसके अलावा जितनी भी हेडिंग है वो 14 फॉन्ट है और मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो इस तरीके से सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर देंगे डेट प्लेस टाइम को भी। इस तरीके से हमने इसमें थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बना दिया है। अट्रैक्टिव दिखना रिज्यूमे का बहुत ज़रूरी है, तभी किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे क्योंकि हेडिंग और जो नीचे कंटेंट लिखा हुआ है उसमें स्पेस नहीं है, स्पेस देंगे तो अच्छा दिखेगा और ध्यान से कोई पढ़ पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी डाल दिया, पोजीशन डाल दिया, तो काफ़ी चीज़ें इस तरह से हम अब करेंगे क्योंकि कंटेंट मैंने लिख दिया है। अगर कुछ बढ़ाना है जैसे कि लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि कई तरह के कैंडिडेट एक ही कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को बंगाली आती है, इंग्लिश आती है, तो ये लैंग्वेज डाल लेंगे तो एचआर को समझने में आसानी हो जाती है कि आखिर इस कैंडिडेट को हम कॉल करें और इसको इंटरव्यू के लिए बुला लें, क्योंकि पहला इंटरव्यू आपका रिज्यूमे देखकर ही हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है। कई लोगों ने BA, BSc, 12th, BTech, MTech ये सब किया होता है, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि आपने टैली सीखी है, 6 मंथ का टैली का कोर्स किया है, कंप्यूटर चलाना सीख रखा है 6 मंथ 3 मंथ, तो वो चीज़ डाल सकते हैं। आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, जैसे काफ़ी लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं,
आईटीआई डिप्लोमा कर लेते हैं, सैप एक सॉफ्टवेयर होता है वो चलाते हैं, ऑटो कैड हो गया, इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा जो जॉब आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ डिग्री करी है, डिप्लोमा करा है या ट्रेनिंग करी है, वो चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पर ये डाल दिया। और यहाँ पर इस लड़के ने MBA का रखा यानी प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स वालों को प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी डालनी होती है, तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग डाल दिया है। तो ये रिज्यूमे पहली बार, अभी किसी कंपनी में काम नहीं किया लेकिन फिर भी 2 पेज का बनेगा। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि जब भी आप फ्रेशर रिज्यूमे बनाएं, अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्स वाले हैं, BTech, MTech, MCA, BCA, MBA, BBA, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं वो लोग 2 पेज का बनाएं, और जितने भी ट्रेडिशनल कोर्स हैं BA, BSc, BCom, MSc, वो लोग 1 पेज का बनाएं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्स करता है उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक कॉलम बढ़ जाता है, उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बढ़ जाता है उसका, तो इसलिए उसका रिज्यूमे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो 1.5 पेज में यानी कि 2 पेज का। तो यहाँ पर इन्होंने MBA किया हुआ है तो इसलिए इसे हम 2 पेज का बनाएंगे। हालांकि पूरा 2 पेज भरेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम, अगर हमें लगता है कि हमारा 1 पेज फुल भरा हुआ है और 1 पेज थोड़ा सा 2-4 लाइनें भरी हुई हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में कुछ कॉलम बढ़ा दूंगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ चीज़ें मैंने बढ़ाई हैं, जैसे 6 सिग्मा बिगनर लेवल सर्टिफाइड किया है मैंने, स्ट्रेंथ में बढ़ाता हूँ स्मार्ट वर्कर हूँ मैं। इसके अलावा जो भी आपके रिलेटेड जॉब से जो भी आपकी पर्सनैलिटी हो वो चीज़ आप बढ़ा सकते हैं, ताकि जो दूसरा पेज है उस पर 2-4 लाइनें ना हों, कम से कम 8-10 लाइनें हों, पेज देखने में भरा भरा सा लगे, ठीक है। बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिग्री जो भी आप डाल रहे हैं उसका सबूत आपके पास होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि HR कभी भी देखने को मांग सकता है। बहुत सारी क्वालिफिकेशन ऐसी होती है जैसे कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट चलाना, ईमेल चलाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक्सपीरियंस ही काफ़ी होता है। कई बार ऐसी जगहों पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता लेकिन आपसे उसके बारे में पूछा जाता है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप सही तरीके से जवाब दे देंगे। तो यहाँ पर अब मेरा ये दूसरे पेज पर कम से कम 8-10 लाइनें लिखी जा चुकी हैं। एक लाइन ऐड कर देता हूँ, नेटिव प्लेस कहाँ है। मैंने एड्रेस जो दिया है वो करंट का दिया है, लेकिन मैं एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पर डाल दिया उत्तर प्रदेश, और ये थोड़ा सा स्पेस डाल के इसको नीचे कर दिया, तो मेरा ये जो दूसरा पेज प्रिंट होके आएगा ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा और भरा भरा दिखेगा। तो कुछ इस तरह से जब प्रिंट होगा तो दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू करके हम देख सकते हैं कि हमारा कोई फॉन्ट गलत तो नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, रिज्यूमे देखने में आड़ा तिरछा तो नहीं है, छोटा बड़ा फॉन्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और सेव कर लेंगे। अब आते हैं फ़ोटो की बारी। फ़ोटो अगर हम रिज्यूमे प्रिंट करा रहे हैं तो फ़ोटो हम अलग से पासपोर्ट साइज़ उस पर लगाते हैं, लेकिन हम किसी को मेल में रिज्यूमे भेज रहे हैं, ईमेल में या व्हाट्सएप पर, तो हम फ़ोटो को उसके अंदर ही लगाते हैं, यानी वर्ड में ही लगाते हैं। वर्ड में कोई भी फ़ोटो लेके आएंगे तो वो आसानी से लगेगी नहीं। इसके लिए आपको ये बॉक्स लेके आना है, बॉक्स के अंदर को कर्सर क्लिक करके रखना है और उसके बाद फ़ोटो लाना है। फ़ोटो ऑटोमेटिक बॉक्स के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी, फिर इस बॉक्स को उठाकर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। इससे जो आपका ये लिखा हुआ कंटेंट है, जो भी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। और अगर आप डायरेक्टली फ़ोटो लाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो लिखा हुआ है वो सब बिगड़ जाएगा। तो फ़ोटो लाने के लिए सबसे पहले बॉक्स को लाते हैं, इस वीडियो में जैसा कि दिखाया है, पीछे करके देख सकते हैं, फिर उसके बाद फ़ोटो लाते हैं। फ़ोटो उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है। इस तरह से एक फ्रेशर का परफेक्ट रिज्यूमे बनेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।